तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मेरी अलमारी, वो भी शायद मेरी वजह से खुली रह गई होगी। जेठिया, ये सब तूने किया? हाँ बाबूजी। जेठिया, आज तुझे अचानक ये सब करने का मन क्यों हुआ? नहीं, अचानक मन नहीं हुआ है। वो क्या है बापूजी, बबीता जी के घर पे वो गैस खत्म हो गया है, तो हमारे घर से गैस का सिलेंडर लेके मैं उनके घर पे देने गया था। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरी धोती यहाँ क्यों लटकाई? उतरने के लिए क्यों सीढ़ी नहीं जमी? मेरी धोती से लटक के उतरा? नहीं नहीं बापूजी, क्या हुआ, वो गैस से भरा हुआ सिलेंडर बहुत वजनदार है ना, मुझसे अकेले से उठा नहीं जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं यहाँ सीढ़ी तक तो लेके आया। फिर मैं ऑटो आया कि अभी सिलेंडर सीढ़ी से नीचे कैसे ले जाऊँ, तभी हाथी पाया है तो उन्होंने बोला कि आपके घर में भक्ति या कोई लंबा कपड़ा होगा? बापूजी की धोती है। धोती को धीरे धीरे छोड़िए। अरे ये सिलेंडर उठा के मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे भाई प्लीज। अरे जेठालाल, डॉक्टर आती, सिलेंडर क्या हो रहा है भाई, तीनों क्या कर रहे हो? भगवान ने आपको भेजा है यहाँ। क्या करने के लिए? ये सिलेंडर उठा के बबीता जी के घर पे पहुँचाने के लिए। तो ऐसे फिर मैं और मेहता साहब वो गैस का सिलेंडर बबीता जी के घर पे छोड़ के आ गए। अच्छा अच्छा, लेकिन बापू जी आप कहाँ गए थे? अरे मैं वो सब्जी लेने गया था। मैंने सोचा आज मैं मसाला खिचड़ी बनाता हूँ और तुझे और टप्पू का सरप्राइज देता। लेकिन फिर वो पद्मावती से टिफिन आएगा फिर वो? अरे नहीं नहीं, वो भागा का फोन आया था कि आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आने वाला। ओ अच्छा, हाँ फिर ठीक है। चल चल चल, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले और मुझे मसाला खिचड़ी बनाने में मेरी मदद कर। हाँ हाँ, चले 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 चले। ओ वो मैं ले लेता हूँ बाबूजी, अब छोड़ो, आप छोड़िए, मैं ले लेता हूँ। ऐसा जेठा, ये बबीता बेटी को गैस का सिलेंडर देकर तूने अच्छा किया। हाँ बापू जी, वो क्या है कि आज बबीता जी अय्यर भाई का कुछ खास दिन है, मतलब बरसों पहले वो दोनों कुछ पहली बार मिले थे ऐसा कुछ। तो बबीता जी ने अय्यर भाई को बोला था कि आज आपके लिए खास मैं घर पे कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगी, और ऐसे में गैस खत्म हो गया, वरना तो क्या बाहर से मंगा लेते खाना। खास दिन था ना इसके लिए। नहीं अच्छा किया तुम। क्या हुआ बाबू जी? तो गैस चालू नहीं हो रहा है। एक मिनट लाओ, मैं देखू। हाँ देख। बराबर फिर क्यों चालू नहीं हो रहा है? एक मिनट। ये तो एकदम हल्का है जेठिया, गैस खत्म हो गया है। ला ला ला, जल्दी दूसरा सिलेंडर ला। दूसरा सिलेंडर तो मैं बबीता जी को दे के आया ना बापू जी। अरे बाप रे, अब ये खिचड़ी कैसे बनेगी? आप टेंशन मत लीजिए बापू जी, मैं कुछ करता हूँ। अरे क्या करता हूँ जेठिया, तू क्या करेगा? गैस ही खत्म हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बापू जी कि हम बाहर किसी अच्छे से होटल में खाना खा लेते हैं ना। हाँ ठीक है चल, लेकिन भाई कल के कल ये गैस सिलेंडर का कुछ कर। तू कल सुबह ही बाका को बुला के हाथों हाथ ये बदली करवा लूंगा सिलेंडर। बाबू जी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं भी ये सब सब्जी वगैरह फ्रिज में रख के फिर मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हाँ ठीक। बाबू जी तैयार, चले हम बैठ थोड़ी देर। क्यों क्या हुआ? टप्पू नहीं आया ना अभी तक। अरे हाँ वो साइकिल चलाने गया है। अरे कहाँ रह गया ये? दादाजी टप्पू आज साइकिल रेस जीत गया। वाह सरस सरस। क्या हुआ दादाजी, आप खुश नहीं हुए? नहीं दादाजी खुश हुए, लेकिन अभी उनको बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा तू फटाफट तैयार हो जा, हम खाना खाने बाहर जा रहे। क्या हम बाहर जा रहे? लेकिन क्यों, पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया? अरे नहीं आया ना बेटा, इसीलिए तो बाहर खाना खाने जा रहे। तू फटाफट तैयार हो जा, मुझे बहुत भूख लगी है। दादाजी आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए फटाफट मसाला वेजिटेबल नूडल्स बना देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो मैं मसाला खिचड़ी बना रहा था लेकिन गैस खत्म हो गया। तू फटाफट तैयार होकर नीचे आ, मैं और बापू जी नीचे उतर रहे। हाँ ओके ओके। आइए बापू जी। चल चल बापू जी, क्या खाएंगे? क्या क्या है तेरे पास? जेठिया होटल के वेटर की तरह क्या पूछ रहा है क्या खाएंगे? मतलब आपको क्या खाने की इच्छा है वो हिसाब से हम होटल पसंद करें ना।
भाई टप्पू को पूछ लेंगे ना, उसे जो खाना होगा हम भी वही खा लेंगे। जी जी। अरे जेठा जी, चाचा जी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं। मतलब तो हम लोग बाहर मतलब कहीं एकदम दूर बाहर नहीं जा रहे, यही ऐसे ही लटर मारने जा रहे। किसे मारने जा रहे? नहीं, नहीं, किसी को मारने नहीं जा रहे, लटर मारने मतलब पग छोटा करने जा रहे। मतलब घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही चक्कर मारने जा रहे। वो अभी खाना खाया ना, हाँ, तो ऐसे ही थोड़ा सा टहलने जा रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके घर पे आ रही थी ये रसगुल्ले देने। आपने सुबह कहा था ना, बहुत टाइम से आपने रसगुल्ले नहीं खिलाए। अरे उसमें क्या है, मैं आज ही आपको खिला देती हूँ। अय्यर की आंटी को चेन्नई भेजने के लिए मैं आज कुछ रसगुल्ले के डिब्बे मंगवाने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, आपके हाथ के बने रसगुल्ले में जो बात होती है ना, वो बात डिब्बे के रसगुल्ले में नहीं होती है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मेरे हाथों से बने हुए रसगुल्ले बहुत जल्दी खिलाऊंगी। ओके बबीता जी, आप तो गजब है। मैंने तो बोला था ना कोई जल्दी नहीं है, आपने आज के आज ही बना दिए। दादाजी पापा, आई एम रेडी। हाय बबीता आंटी। हाय। अच्छा दादाजी, मैंने रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करवा दिया है। आप लोग बाहर खाना खाने जा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन आया नहीं, और जब दादाजी मसाला खिचड़ी बना रहे थे तो गैस खत्म हो गया। ओह नो। और आपके घर का एक्स्ट्रा सिलेंडर तो मेरे घर पे है। हाँ बेटा, इसलिए हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। What? नहीं नहीं, मैं आपको बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। अरे बबीता जी। क्या जेठा जी, आप भी, आपने तो मुझे एक ही पल में पढ़ाया कर दिया। हाँ, नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा मत बोलिए बबीता जी, ऐसा नहीं है कुछ। और नहीं तो क्या जेठा जी, आज आपने मेरी कितनी मदद की। आप अर्जेंटली मेरे लिए मिक्सर लेके आए, मेरे घर तक आपने सिलेंडर पहुंचाया। आज आपने इतनी मदद नहीं की होती ना, तो मैं अय्यर के लिए डिनर भी नहीं बना पाती। मेरे होते हुए मैं आप लोगों को बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। आज आप मेरे घर पे ही खाना खाएंगे। अरे नहीं बबीता जी, आज आपकी और अय्यर भाई की स्पेशल तारीख है, आप लोग सब्ली रेट करो ना, हम तो खा के आ जाएंगे अभी। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेलिब्रेशन सही मायने में सेलिब्रेशन होगा। प्लीज चलिए ना। ठीक है, चल। तो फिर दादाजी मैं टेबल कैंसिल कर दूं? हाँ, कर दे। हाँ, कर दे, कर दे। ग्रेट, प्लीज आइए, आइए। आइए ना, प्लीज आइए। अरे, है ना ना, चाचा जी, टप्पू, अरे। हाँ, मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ? ओ, वांगो, वांगो, वेलकम, वेलकम, वेलकम। आइए, 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 आइए। एक्चुअली अय्यर, इनके यहाँ पे पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया, और जैसे हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया, वैसे इनके यहाँ पे भी गैस खत्म हो गया। अब इनके घर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर था, जेठा जी ने वो हमें दे दिया, तो ये लोग अभी बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रसगुल्ला देने के लिए वहाँ पे गई, तो मुझे इस बात का पता चला, तो मैंने उन्हें यहाँ पे इन्वाइट कर लिया। अरे बबीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो इनको डिनर पर अपने यहाँ पर इन्वाइट कर लिया। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे यहाँ पे सिलेंडर खत्म नहीं हुआ होता, तो जेठा जी भी अपना सिलेंडर हमें नहीं देते, और अगर उन्होंने हमें अपना सिलेंडर नहीं दिया होता, तो वो अपने घर में खाना खा रहे होते। यस यस बबीता, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी गैस का वजह से हमारे घर में गेस्ट आ गए। अय्यर भाई, आप हमको गेस्ट समझते हैं? हम गोकुलधाम वाला तो एक परिवार है ना। हाँ, जस्ट जोकिंग जयडलर, हम सब लोग एक परिवार ही हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। बबीता बेटा, तुमने तो दो लोगों का ही खाना बनाया होगा ना, तो चाचा जी, आपको मसाला खिचड़ी खानी थी ना, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी फटाफट बना देती। हाँ तो ऐसा है तो बेटा सुनो, हमारे घर पे मसाला खिचड़ी की सारी तैयारियां हो गई थी, सिर्फ मसाला डालना ही बाकी था।
टप्पू बेटा तू एक काम कर, घर पे जा और फ्रिज में सब सब्जियां पड़ी है ना वो लेकर आ। अरे चाचा जी क्या जरूरत है, सब्जियां तो यहाँ पे भी है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बेटा हमारे घर में तो सारी सब्जियां काट कर सब तैयार ही है, तुम्हें मेहनत कम पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बापू जी। टप्पू टप्पू चाचा तो मैंने वो फ्रिज में ना वो रखी है सारी सब्जी, वो काटी थी ना उसमें रखी, वो सामने ही है, वो लेके आ फटाफट। बेटा जल्दी लेकर आ। आप लोग थोड़ी बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। टप्पू आ गया। बबीता नहीं नहीं इट्स ओके यार अंकल, मैं बबीता जी को सब्जियां दे देता हूँ और उनकी हेल्प कर देता हूँ। ओके चाचा बेटा चाचा यार बेटा सॉरी, हां आज तुम लोगों का खास दिन है और ऐसे दिन पे हम लोग तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं चाचा जी ये क्या कह रहे हैं आप, वो कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई, और वो भी कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अभी देखा ना हम लोग तो घर पे खिचड़ी खाने वाले थे वो नहीं हुआ, फिर होटल में जाके खाने वाले थे वो भी नहीं हुआ। लगता है आज हमारे नसीब में बबीता जी के हाथ का बना खाना ही लिखता है बापू जी। चलिए गर्मा गर्म खाना तैयार है, आइए। हम सबने साथ में खाना खाया तो कितना मजा आया ना। अरे अरे बहुत बहुत मजा आया बहुत। लेकिन मजा क्यों आया वो पता है? क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि बबीता बेटा तुम्हारे घर में खानदानी, किसी किसी के घर में फूलदानी होती है, मच्छरदानी होती है, पत्थरदानी भी होती है, लेकिन जहाँ खानदानी नहीं होती ना वहाँ सब व्यर्थ। आज हम सब लोग मिलके एक साथ खाना खा पाए हैं क्योंकि हम में और हमारी सोसाइटी में खानदानी है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, विश्वास है और पारिवारिक भावना है। वाह वाह बापूजी वाह वाह। थैंक यू बबीता बेटा, बहुत मजा आया। अरे चाचा जी हमको भी बहुत मजा आया। बस तो फिर हर साल इस दिन को हम लोग यही खाना खाने आ जाएंगे। अरे मोस्ट वेलकम जयदलाल, लेकिन ना खाली हाथ मत आना, साथ में सिलेंडर लेकर जरूर आना। पक्का जे अय्यर भाई। चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो। एक मिनट अय्यर, वो जेठा जी का सिलेंडर उनके घर तक प्लीज पहुंचा देना। हाँ यस यस। अरे नहीं नहीं बबीता जी क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं जयदलाल, बबीता एकदम करेक्ट बोल रहा है, देखिए अभी हमारा डिनर हो चुका है और अभी सिलेंडर का कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह हमारे लिए मैं दूसरा सिलेंडर लेकर आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है अय्यर भाई, घर जाते जाते मैं बागा को फोन कर दूंगा, कल सुबह वो आके खाली सिलेंडर ले जाएगा और भरा हुआ दे जाएगा। चलो चलते हैं। नहीं दादाजी ऐसे नहीं, आज का दिन अय्यर अंकल और बबीता आंटी के लिए बहुत स्पेशल है, तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। क्या अय्यर अंकल थोड़ा डांस करते हैं। अरे ठीक है ना बाबू जी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बस भाई हो गया अभी टप्पू, अभी चले ना। चलो चलो अभी चलते हैं। थैंक यू बबीता, बहुत मजा। थैंक यू बहुत मस्त नाचा। हमारे सोसाइटी में सब लोग कितने अच्छे हैं ना। या बबीता ऑल आर नाइस पीपल। अब देखो ना ये लोग बाहर खाना खाने जाने वाले थे, अगर मैंने उन्हें खाना खाने नहीं बुलाया होता तो वो लोग बाहर ही खाना खा रहे होते। हां वाह तुम एकदम करेक्ट बोलता है। हमारे सोसाइटी में सब लोग कितने हेल्पफुल है ना। अब देखो ना मेहता साहब ने जेठा जी को सिलेंडर ऊपर तक लाने में मदद की,
हाथी भाई ने उनके नीचे मदद की। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, है ना? क्या हुआ यार? मैं कब से तुमसे कितनी इम्पोर्टेंट बात करूं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। अरे नहीं बबीता, मेरा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया था। Oh my God! Oh my God! This is so pretty. बबीता, बहुत ढूंढा, उसके बाद तुम्हारे एक चॉइस का रिंग मेरे को मिला है। पसंद आया ना तुमको? बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या बबीता, आज हमारा स्पेशल डे, तो गिफ्ट तो बनता है ना। Oh, it's so nice. तुम क्या कह रहा था? हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम ये सोसाइटी छोड़ के ना कभी नहीं जाएंगे। अरे बबीता तुम ये क्या बोल रहा है? अभी तो तुम बोल रहा था ना कि मैं दादा कितना हेल्पफुल है, डॉक्टर हाथी कितना हेल्पफुल है, चंपक चाचा, जयटालाल, पूरा सोसाइटी कितना अच्छा है। फिर ये अचानक तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आ गया? अरे ऐसे ही बस ख्याल आया तो शेयर किया। हम गोकुल धाम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नेवर नेवर बबीता, इन दिस लाइफ हम लोग गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। पर अमी क्या, गोकुल धाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर कभी भी गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर नहीं जाएगा। आई लव गोकुल धाम सोसाइटी। किधर रख दिया? गलत है। सूट है रोशन? वो मेरे से ये गलती कैसे हो सकती है? क्या हुआ, किसी की गड्डी देना भूल गया? ओ नहीं, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे पर क्या भूल गया, कुछ बोलेगा? मेरे दिमाग से ये बात निकल कैसे सकती है? रोशन क्या भूल गया, क्या दिमाग से निकल गया, क्लियरली बोल ना, मुझे टेंशन हो रही है। और रोशन डार्लिंग, बबीता जी के घर गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए जेठा प्राणे गैराज में मुझे दो बार फोन किया था, मैं गैराज से वापिस आ गया और मैंने उनसे पूछा तक नहीं। सो रोशन टूपन, ठंड रख, जेठा भाई ने कब से बबीता के घर सिलेंडर पहुंचा दिया, अभी तक तो उन लोग ने खाना भी खा लिया होगा। सच्ची? सच्ची। फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कल जेठा प्रा को सॉरी बोल दूंगा। हाँ, बोल देना, बोल देना। अच्छा सुन, आज गैराज में पता है क्या हुआ? एक मिनट, तू अभी किधर है? तेरे सामने। मैं किधर हूँ? मेरे सामने। हम दोनों किधर है? आमने सामने। मजाक कर रहे हैं सी। और इस समय हम दोनों अपने घर पर हैं। हाँ, तो जब घर पे तब घर की बात है, और गैराज पे गैराज की बात, समझा? ओहो सोनिया, तू तो नाराज हो गई। आजा, कुछ प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करते हैं, बैठा मेरे को। रोमांटिक बात करनी है ना तो पिल्ले तो मुझे ये बता कि जब हम लोग पिलबिल्ली वक्त डेट पे गए थे तो मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? ड्रेस? तो ड्रेस निकल कर रही है, वो पहली वक्त हम डेट पे कब गए थे मैंने तो ये भी याद नहीं है। तो छट मैंने अय्यर भाई ने बड्डू बरोबर याद छे कि बबीता ने पिलबिल्ली वक्त डेट पे क्या पहना था। ओए सोणियो, ओ भले मैंने ये याद नहीं है कि तूने कौन सी ड्रेस पहनी थी, पर मैं तुझे प्यार करना तो नहीं भूला ना। तो तुझे प्यार करना, तो तुझे मनाना, तेरा ख्याल रखना, तेरी बातें सुनना, तेरे ताने सुनना, तो तेरी झील जैसी आंखों में डूब जाना तो नहीं भूला ना सोने। आई लव यू। तो वैसे उस दिन तूने लाल रंग का ड्रेस पहना था। तुझे याद था? आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू थ्री। I love you four. I love you five. I love you six. I love you seven. भाई वाह, मजा आ गया। देखा ना आपने, खुशियाँ बांटने से किस तरह से बढ़ती है। आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियाँ उन्हें बांटिए, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। अब यहाँ पे जेठालाल ने मदद की बबीता जी की, तो अंततः बबीता जी ने ही जेठालाल की दुविधा दूर की। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई, ये गोकुल धाम कमाल का गोकुल धाम है। यहाँ पे प्यार है, परिवार है, छोटी मोटी तकरार भी है, लेकिन ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे यह मस्ती के और हंसी के फटाके ऐसे ही फूटते रहेंगे और ठाके कभी कम नहीं होंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।